हाय फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ पर्सन हु हैज़ एपोलोजाइज्ड टू यू। अंदर के क्यूज है हु इज दिस पर्सन, व्हेन दिस हैपेंड, व्हाट दिस पर्सन सेड फॉर एपोलोजाइजिंग एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट द एपोलॉजी। सो आप पहले इसका मीनिंग समझेंगे। ऐसे कोई इंसान को डिस्क्राइब कीजिए जिन्होंने आपसे माफ़ी मांगी थी। ये इंसान कौन है, ऐसा कब हुआ था, और जब उन्होंने माफ़ी मांगी तो माफ़ी मांगने के लिए उन्होंने आपसे क्या कहा, यानी किस प्रकार के वाक्य या शब्द का उपयोग किया, ये आपको समझाना है। और जब उन्होंने आपसे माफ़ी मांगी तो आपको कैसा फील हुआ। अब देखेंगे कि जब हमें थिंकिंग टाइम दिया जाएगा तब हम पेपर पे जल्दी से क्या लिखेंगे। हम बोलने वाले हैं कि हम एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे और वहाँ पे हमें जो सर्विस थी वो इतनी अच्छी नहीं मिली, एक्सपीरियंसेस भी जो हुए वो कुछ खास अच्छे नहीं थे, एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच हम थोड़े डिसअपॉइंट हो गए और रेस्टोरेंट मैनेजर ने हमसे सॉरी कहा। ओके, सो हु इज़ दिस पर्सन में द रेस्टोरेंट मैनेजर, When this happened में एक महीने पहले, आप अपने हिसाब से इस टाइम को बदल सकते हैं। What this person said for apologizing, ऐसा वापस नहीं होगा, दोबारा नहीं होगा, this won't happen again, and आपको कैसा लगा, satisfied and happy। अगर आप Duolingo के स्टूडेंट्स हैं तो आपको जो 30 seconds में बोलना है उसको मैंने आपके लिए अंडरलाइन किया है, और अगर आप IELTS के स्टूडेंट्स हैं तो आपको सभी चीज़ों की प्रिपेरेशन करनी है। अब क्यू कार्ड को बोल के समझेंगे। Very recently, I visited a famous local restaurant with my family. We went there to eat dinner. That place is famous for a varieties of desserts. We went there to especially enjoy the sweet dishes. हाल ही में यानि अभी मैं मेरे शहर के एक local और famous प्रख्यात restaurant में मेरे family के साथ गया था। हम वहाँ पे dinner लेने के लिए गए थे। वो जो जगह है वो बहुत ही famous है अलग अलग प्रकार के मिष्ठान यानि डेजर्ट्स के लिए, स्वीट डिशेस के लिए, और हम खास वहाँ पे उसी स्वीट डिशेस को एंजॉय करने के लिए गए थे। एक्सेप्ट फॉर द फूड द एंटायर एक्सपीरियंस वॉज नॉट एट ऑल एंजॉयबल। द पर्सन हु एपोलोजाइज टू मी वॉज द रेस्टोरेंट मैनेजर, हिज नेम वॉज मिस्टर ABC। खाने के अलावा पूरा अनुभव जो था वो बिल्कुल ही मज़े वाला नहीं था, यानि एंजॉयबल नहीं था। जिस इंसान ने मुझसे माफ़ी मांगी वो रेस्टोरेंट के मैनेजर थे और उनका नाम था मिस्टर ABC। वापस मैंने ABC इसलिए लिखा है क्योंकि आपके हिसाब से इस नाम को चेंज कर सकते हैं। सो हमने पहला क्यों आंसर कर दिया है कि किसने हमसे माफ़ी मांगी। दिस एपिसोड अकर्ड अप्रॉक्सीमेटली अ मंथ अगो। सो वी आर आंसरिंग अ सेकेंड क्यू ओवर हियर के करीब करीब एक महीने पहले ऐसा हुआ था। एक्चुअली वी हैड टू वेट फॉर एन आवर टू गेट अ टेबल, इट वॉज़ वेरी बोरिंग एंड टायरिंग। सो अब हम बताने जा रहे हैं कि ऐसा वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ स्टोरी कि क्या हुआ कि इस इंसान को हमसे माफ़ी मांगनी पड़ी। सो हमें डिनर टेबल मिलने के लिए एक घंटा वेट करना पड़ा और ये बहुत ही बोरिंग था और टायरिंग था, यानी हम थक गए वेट करते करते। आफ्टर दैट व्हेन वी गॉट अ टेबल टू डाइन इट वॉज़ नॉट क्लीन। उसके बाद जब हमें फाइनली टेबल मिला खाना खाने के लिए तो वो साफ नहीं था। वी हैड टू कॉल द वेटर ट्वाइस टू क्लीन इट। हमें दो बार वेटर को बुलाना पड़ा टेबल साफ करने के लिए। द सर्विस वॉज वेरी स्लो एंड दे मिसअंडरस्टूड अवर फूड ऑर्डर एंड ब्रॉट अस अ रॉन्ग डिश। सर्विस भी बहुत स्लो थी और हमने जो खाना ऑर्डर किया था वो उन्होंने मिसअंडरस्टूड किया और हमें गलत डिश ला के दी खाना खाने के लिए। वी हैड टू एक्सप्लेन सो मच टू टेक इट बैक। हमें उनको बहुत समझाना पड़ा वो पर्टिकुलर डिश जो हमने ऑर्डर नहीं की थी उसे वापस ले जाने के लिए। फाइनली दे बिल्ड अस डबल देन व्हाट वी एट। और आखिर में उन्होंने हमने जो खाया था उससे डबल हमें बिल दे दिया। सो ये सारे एग्जांपल्स हैं जिसकी वजह से हमने स्टोरी क्रिएट की है कि वो रेस्टोरेंट के मैनेजर को हमें सॉरी बोलना पड़ा। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड दो द फूड वॉज वेरी डिलीशियस एंड द डेजर्ट्स वर यमी, द डाइनिंग एक्सपीरियंस वॉज chaotic एंड frustrating। मैं बहुत ही उदास हो गया। खाना तो बहुत स्वादिष्ट था और डेजर्ट्स भी बहुत स्वादिष्ट थे, सो डिलीशियस एंड यमी आर स्वादिष्ट, लेकिन पूरा जो अनुभव था खाना खाने का, डाइनिंग एक्सपीरियंस था, वो बहुत ही chaotic था, यानि उथल पुथल वाला था और frustrating था, यानि चिड़ मच जाए वैसा। I complained to the manager and expressed my unhappiness to him. So मैंने manager को complain की और अपना दुख प्रकट किया। He was very humble and
सोबर। ये जो इंसान था रेस्टोरा मैनेजर, वो बहुत ही विनयी विनम्र इंसान थे और ही इमिजिएटली सेड सॉरी फॉर एवरीथिंग दैट हैपेंड एंड रिवाइज द बिल फॉर अस। उन्होंने तुरंत ही सॉरी कहा जो कुछ भी हुआ उसके लिए, और हमारे लिए उन्होंने जो बिल था जो गलत था वो रिवाइज भी करके दिया। ही assured us that this won't happen again and also gifted us a free food coupon. उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि ऐसा दोबारा नहीं होगा और हमें एक फ्री फूड की कूपन भी दी। सो हमें पूछा गया है कि उन्होंने जब माफ़ी मांगी तो उन्होंने क्या कहा। दैट इज़ वाई हमने यहाँ पे दो तीन सेंटेंसेस बोले हैं कि उन्होंने क्या कहा और क्या किया। His kindness and generosity was reassuring. So, उनका जो दयालु स्वभाव था, उनकी जो उदारता थी, kindness and generosity, वो हमें आश्वासन देने जैसी थी, यानी it was assuring to us. We have used reassuring. I felt very satisfied and happy with the way he responded and with the way he handled the entire situation. So now we are answering the last cue कि हमें कैसा feel हुआ। मैं बहुत ही satisfied था और खुश था जिस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, यानी हमारी कंप्लेन का रिस्पॉन्स दिया, जवाब दिया, और जिस तरह से उन्होंने पूरी सिचुएशन को हैंडल किया। इन वन कॉर्नर ऑफ माई हार्ट आई वॉज फीलिंग अ सेंस ऑफ अचीवमेंट दैट माई कंप्लेन वॉज हर्ड एंड सॉर्टेड एमिकेबली बाय द मैनेजर। आई थैंक्ड हिम एंड एक्सेप्टेड हिज एपोलॉजीज। सो मेरे दिल के कोने में मुझे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट की फीलिंग हो रही थी, एज इफ मैंने कुछ हासिल किया है, कि मेरी जो कंप्लेन थी वो सुनी गई थी और उसे सॉल्व करने का भी मैनेजर ने काफ़ी अच्छा प्रयत्न किया था। मैंने उनको उनकी माफ़ी मांगने के लिए थैंक यू कहा और उनकी एपोलॉजी को यानी उनकी माफ़ी को मैंने स्वीकार भी किया। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्यू कार्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, कोई कमेंट्स है, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपको कोई और क्यू कार्ड्स पे आइडिया चाहिए तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।